A very good morning to all of you. Today we are going to start lesson 6 in civics. The name of our chapter is Rural Administration. Rural means village. Basically, this chapter will discuss the village area and how administration is open. And this chapter starts with the story of Mohan and Raghu. This chapter is Mohan and Raghu's story. और ये रघु का एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पे वो क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है। लेकिन वन डे मोहन ने नोटिस किया कि जो रघु है उसने क्या कर दिया है, बाउंड्री को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। उसने अपनी जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहां की बाउंड्री को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। अब बाउंड्री शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, बाउंड्री शिफ्ट करने से जो मोहन का जो फील्ड है उसका पोर्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया, लेस हो गया है। लेकिन जो रघु का जो फील्ड का जो पोर्शन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो मोहन ने जैसे ही नोटिस किया तो मोहन ने अपने जो नेबर्स है उनके साथ क्या किया, रघु के घर पे गया और उसे इसके बारे में क्या किया, डिस्कस किया। लेकिन मोहन ने क्या करके सडनली रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने यानी कि बाउंड्री को क्या है, शिफ्ट नहीं किया है। लेकिन उन दोनों के बीच में काफी मोहन के और रघु के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होने लग गई, बहुत ज्यादा गॉसिप होने लग गई। तो इसको लेकर रघु ने एकदम से सडनली क्या किया, उसका जो एग्रेसिव नेचर है उसने क्या किया, मोहन को नेबर्स के सामने क्या करके पीट दिया, जिससे क्या मोहन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया। उसके हेड पे क्या आ गई, बहुत सारी काफी चोट आ गई। इसके बाद क्या हो गया, वहां पे बहुत सारे जो पीपल्स है वहां पे क्राउडिंग प्लेस बन गया, वहां पे लोग इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने क्या किया, मोहन को सजेस्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गो टू द पुलिस स्टेशन, हमें क्या करना चाहिए, अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। लेकिन अब जो मोहन था वो थोड़ा डर भी रहा था पुलिस स्टेशन जाने से, क्यों, क्योंकि उसको एक तो ये डर फियर था कि जो रघु है, रघु के अंकल क्या है, विलेज के सरपंच है, और सेकंड फियर ये था कि अगर पुलिस स्टेशन जाना है तो वहां पे क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या है वो खर्च होगी कहाँ पे, पुलिस स्टेशन पे। फिर भी लेकिन सारे जो विलेज के पीपल थे उन लोगों ने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ये सजेशन दिया मोहन को कि नहीं हमें क्या करना है, एट द एंड हमें क्या करना चाहिए, पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। अब मोहन क्या है, पुलिस स्टेशन चला गया। अब वहां पे उसकी जो मीट है वो किस मीटिंग किससे होती है, SHO, ठीक है। वहां पे उनकी मीटिंग किस होती है, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर से, ठीक है। यहाँ पे मोहन और उसके जो भी नेबर्स थे वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने SHO को पूरा इंसिडेंट बताया कि क्या क्या हुआ, कैसे जो रघु है उसने बाउंड्री को शिफ्ट किया। तो सबसे पहले क्या, जो SHO है उन्होंने क्या करते, रिफ्यूज कर दिया मोहन की जो रिपोर्ट है उसको फाइल करने से, क्योंकि जो SHO उन्होंने क्या कहा कि उनके पास टाइम नहीं, ऐसी माइनर कंप्लेंट्स को फाइल कर देगा। लेकिन उसके बाद जो मोहन के नेबर्स थे उन्होंने क्या किया, काफी अप्रोच करने के बाद क्या किया उसको, जो SHO थे उनको क्या दिखाई, मोहन की इंजरी दिखाई, हेड इंजरी दिखाई और पूरा इंसिडेंट दोबारा से बताया। उसके बाद जो SHO है उन्होंने क्या किया, उनकी जो मोहन है उसकी रिपोर्ट को फाइल किया। फिर उसके बाद मोहन से प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट डे क्या है, एक कॉन्स्टेबल को सेंड भेजेंगे आपके विलेज में, और उसके बाद आप भी क्या है, जो आप जो भी इंसिडेंट हुआ उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इससे देखो हमें एक चीज पता चल रही है कि क्या है, जो पुलिस का वर्क है वो क्या क्या है। एक तो फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि अपने एरिया में लॉज और ऑर्डर को मेंटेन करना। सेकंड वर्क ऑफ द पुलिस इज इन्वेस्टिगेट क्राइम और डिस्प्यूट, कहीं जो क्राइम है या डिस्प्यूट लड़ाई चल रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना और फाइंड आउट करना कि कौन पर्सन गिल्टी है। द थर्ड वर्क ऑफ द पुलिस इज टू रजिस्टर केस ऑफ थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड इंजरी, और जितने भी केसेस हैं थेफ्ट के, चोरी के, एक्सीडेंट के, इंजरी के, उनको रजिस्टर करना। ये तो थे पुलिस के वर्क। नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, कैन मोहन सेटल दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर, क्या मोहन इस जो डिस्प्यूट हुआ रघु के उसके बीच में इसे पीसफुल मैनर में सॉल्व कर सकता था। सो दिस क्वेरीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।